हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर नोइंबई के कई ठिकानों पर शिव सैनिकों द्वारा कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया गया है। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज जयंती अवसर पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को महान राजा बताया और उनके शौर्य एवं कर्तित्व का गुणगान करते हुए उन्हें पुष्पांजलि समर्पित की। देखिए झलकियां। आज पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। नोइंबई के कई ठिकानों पर भी शिवसेना पदाधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र के सिरमौर और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मान वंदना दी गई। इस अवसर पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज बेलापुर में राजेश भगत एवं मथुरा पाटिल एवं नीलकंठ मात्रे के यहाँ भेंट दी और छत्रपति की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने नेरुल में विजय माने, काशीनाथ पवार और दिलीप घोड़ेकर के यहाँ, जबकि सानपाड़ा में सोमनाथ वास्कर और मिलिंद सूर्यराव के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शिवसेना नेता विजय नाहटा ने सीउड और सारसोले के साथ ही वाशी के शिवाजी चौक पर आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत की और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर उनका अभिवादन किया। आइए सुनाते हैं इस अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जयंतीच्या निमित्ताने नेरुळ पूर्वे मध्ये शिवसेनेच्या वतीने माझे ज्येष्ठ सहकारी श्री अरुण गुरव आणि त्यांच्या पत्नी यांनी हा या ठिकाणी एक भजनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। दरवर्षी अशाच पद्धतीने शिवजयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम घेऊन मोठ्या प्रमाणावर ते साजरी करतात, त्याच्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये गुरव साहेब आमचे नेहमी काम करत असतात, बँक कर्मचाऱ्यांचं असो, सामाजिक काम असो, लोकांना मदत करण्याचं काम असो, दवाखान्याचं काम असो, पोलीस स्टेशनचं काम असो, सगळ्याच बाबतीमध्ये लोकांना मदत करण्याचं ते काम करतात। आज त्यांनी हा जो कार्यक्रम शिवजयंतीनिमित्त या ठिकाणी केलं आहे त्याच्याबद्दल त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।